हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोर्ट नंबर क्या होता है। देखिए, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप नेटवर्किंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो ये इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पोर्ट नंबर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका पर्पस क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि पोर्ट नंबर क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। ये 16 बिट का होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर 65535 तक। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 65535 तक होती है। आप इसको यहाँ पे याद रखिए, जिससे कि इंटरव्यू में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से बता सको। फिर ये क्या होता है एक्चुअली, सबसे पहले आप इसको समझिए। पोर्ट नंबर एक यूनिक आईडी होती है प्रोटोकॉल की। जैसे कि हमारा कोई भी कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में हमारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस वर्क करती है, और उन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पर अलग अलग प्रोटोकॉल हमारे वर्क कर रहे होते हैं। यानी कि वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोटोकॉल काम करता है। तो ये क्या होता है, ये एक एप्लीकेशंस पे वर्क करता है। जितने भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं उनका सबका अपना अपना एक पोर्ट नंबर होता है, और ये एक यूनिक आईडी होती है प्रोटोकॉल की। आप इसको बिल्कुल यूनिकली समझिए कि कोई प्रोटोकॉल है हमारा, ये उसकी एक क्या है, एक यूनिक आईडी है जो कि हमारे कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सपोज कीजिए हमारा मोबाइल है, हमारे मोबाइल में 3 से 4 हमारी एप्लीकेशंस वर्क कर रही है। जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और व्हाट्सअप हो गया। हमारी ये यहाँ पे 3 से 4 एप्लीकेशन से ये काम कर रही है। तो जितनी भी ये एप्लीकेशन है वो अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रही है। हमारा जैसे कि जीमेल हो गया, जीमेल या ईमेल, उस पे जो हमारा प्रोटोकॉल काम करता है वो करता है SMTP, पोप और मैप। ये प्रोटोकॉल हमारे ईमेल के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जो SMTP प्रोटोकॉल होता है ये मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक पर्टिकुलर ईमेल के लिए है प्रोटोकॉल। और जो POP3 या IMAP होता है वो ईमेल पे मैसेज को रिसीव करने के लिए है। हम POP3 का भी यूज़ करते हैं और IMAP का भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ पोर्ट नंबर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में वर्क करते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे कंप्यूटर में 3 से 4 एप्लीकेशंस वर्क कर रही है, किसी ने हमारे पे मैसेज को शेयर किया, ठीक है। वो मैसेज किसकी हेल्प से आएगा हमारे पास, आईपी एड्रेस की हेल्प से। हमारी डिवाइस के पास तक तो आ गया, लेकिन जो हमारी डिवाइस में, हमारे लैपटॉप में 3 से 4 एप्लीकेशंस वर्क कर रही है, कैसे पता चलेगा कि वो यूट्यूब पे आया है, यूट्यूब के कमेंट में आया है, या व्हाट्सएप पे आया है, या फेसबुक पे आया है, या इंस्टाग्राम पे आया है। तो वो हमें पता चलता है पोर्ट नंबर, क्योंकि व्हाट्सएप का पोर्ट नंबर अलग है, वो दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, फेसबुक दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, उसका अपना कुछ एक पोर्ट नंबर है। तो जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती है ना, उस पर कुछ ना कुछ हमारे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, और उन प्रोटोकॉल की जो यूनिक आईडी होती है उसको हम पोर्ट नंबर बोलते हैं। उन पे अपने अलग अलग पोर्ट नंबर भी वर्क करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये डिपेंड भी करता है कि सर्विस पे हम कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें, सर्विस का मतलब है, मतलब हम करना क्या चाहते हैं सिस्टम में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर। जैसे कि एक हमारा यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट में FTP। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम किसी को भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा FTP प्रोटोकॉल वर्क करता है। सेकंड है यहाँ पे SSH, यानी कि सिक्योर सेल। जब हम रिमोटली लेना चाहते हैं किसी भी सिस्टम को, तो हम इस SSH के थ्रू ले सकते हैं, सिक्योर सेल। जो हमारा कैमरा वगैरह होते हैं ना, हम दूर से देख लेते हैं, तो हम किसकी हेल्प से देख पाते हैं, यहाँ पे SSH की हेल्प से। थर्ड होता है टेलनेट। टेलनेट होता है सेम SSH की तरह। SSH हमारा सिक्योर होता है, टेलनेट हमारा सिक्योर नहीं होता है। इनमें ये डिफरेंस है। फिर है SMTP। SMTP का पोर्ट नंबर कितने पे काम करता है, 25 पे। देखिए जो FTP होता है इस पे 20 पोर्ट नंबर काम करता है। इसको क्या दिया गया है, 20 पोर्ट नंबर। SSH को 22। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि SSH का पोर्ट नंबर बताइए। टेलनेट का 23। और जो SMTP प्रोटोकॉल होता है ये मेल के लिए यूज़ किया जाता है, इसका पोर्ट नंबर होता है 25।
DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है 53। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है 80। जब आप अपने गूगल वगैरह को यूज़ करते हो तो ये HTTP क्या करता है, एक तरह से आपके सर्वर को फाइंड करता है, ठीक है। HTTP लेकिन ये सिक्योर नहीं होता है, आप इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिए। POP3 और IMAP यूज़ किया जाता है ईमेल को रिसीव करने के लिए, और POP3 यहाँ पे 110 होता है इसका पोर्ट नंबर, और 143 होता है IMAP का। और जो HTTPS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि ये सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करता है और वर्क करता है जैसे कि हमारा HTTP काम करता है। तो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको प्रोटोकॉल बताए हैं, किसी को भी उठा लेगा इंटरव्यूअर और आपसे पूछेगा कि आप इसका मुझे पोर्ट नंबर बताइए, तो आपको सिंपली ये यहाँ पे याद रखना है कि किस प्रोटोकॉल का क्या पोर्ट नंबर है। सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है, ये 16 बिट का होता है और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 65,535 तक होती है, और इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। पोर्ट नंबर इज़ ए यूनिक आईडी ऑफ प्रोटोकॉल, ये एक यूनिक आईडी होती है प्रोटोकॉल की। तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।